हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब भी हम ये कहना चाहते हैं भी पहले की तरह हमें आश्रय में मत रखना, हमें नागरिकता दीजिए और हमारे हाथ में आएगी जब हमें कुछ, जैसे ये बिटिया हमारे हाथ में, इस तरह हमें नागरिकता भी दीजिए। मैं इसके बारे में ये है तो मेरे को इस बच्ची का जन्म हुआ था उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था उसी दिन बिल पास हो गया था भी नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। क्यों था इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा, इसी गुड़िया का नाम है नागरिकता। और वो नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास दो दो नागरिकता हुई, जितना इसी का मान सम्मान करेंगे इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे, हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों दिन बराबर के लग रहे हैं, क्यों तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला, हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला, इंसाफ बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं करा। जय श्री राम का, जय श्री राम की, जय श्री राम। बहुत खुश है, खुश के मारे तो ये उलवे बांट रहे हैं, ये पूरी बांट रहे, खा रहे पी रहे हैं बस खुशी के मारे। अरे पुराने दिन तो हम भूल गए, आज तो नागरिकता मिल गए, पुराने दिल तो गए हमारे, आज नए दिन आ गए। हम इसी के बच्चों के भविष्य के लिए आए थे पाकिस्तान, वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो हमें किसी से कोई लेना देना। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। मोदी जी को हमारा परिवार से हमारे नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद।